चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें, चेन्नई सुपर किंग्स अब 10वां सीजन और 10वां प्लेऑफ, मतलब ये क्या है, ये तो स्क्वाटिंग राइट्स है। मतलब ऐसे कहते हैं ना, कभी कभी कोई टेनेंट आगे रहता है आपके घर में और जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं है। कंसिस्टेंसी है टीम में, जो प्लेयर भी आता है वो भी नहीं जाता। कप्तान है 10 साल से सेम है, किसी और टीम में शायद नहीं है, यू नो कोच है 10 साल से है वो ही है, तो इसीलिए प्रदर्शन भी वैसा। खिलाड़ी जो न्यूक्लियस होता है वो तो ऑलमोस्ट सेम रहता है, फिर क्या है कि जो कोई बुजुर्ग हो जाता है वो चले जाते हैं, उसकी जगह अगला आ जाता है, तो ये एक मूवमेंट है। इनको तो कितनी बार बुजुर्ग बोला गया है पिछले 2 साल में, आप देखिए पता नहीं कितनी बार इनका इस्तीफा बाकी लोगों ने छाप दिया है कि भाई ये तो बुजुर्ग हो, रिटायरमेंट एज आ गई इनकी, ये तो बुजुर्ग हो गए, इनके पेंशन दीजिए और इनको आगे बढ़ाना, होम में उन लोग का बुकिंग करे बिल्कुल, पर ये वापस आ जाते हैं। ये कमाल की टीम है, और इनका जो लीडर है वो शायद सबसे अहम है, हिस्सा है इस टीम का, उनके इर्द गिर्द चलती है वो, उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है इस टीम का। और वो किसी भी खिलाड़ी को आप देखिए, दूसरी टीमों से जो जो इनकी टीम में खेले हुए हैं, पहले भी खेलते थे और यहाँ से कई लोग बाहर चले गए, उनको देख लो, ये उनका इस्तेमाल करना ना बेहतरीन जानते हैं, कब किसको करना है। अब कल का मैच था, पहली बार सबको लग रहा था इस साल क्या होगा जी, हरभजन सिंह ना सिर्फ चेन्नई में खेलेंगे, आखिरी मैच था पंजाब में, अलग विकेट है वहाँ पर खिला लिया, सबको लगता है कि वो पहले ही डालेंगे, पहले एक ओवर डाला मार पड़ी रोक लिया, बीच में लेके आए फिर गेम पलट दी, तो ये किस तरह से आपको खिलाएंगे अपने 11 खिलाड़ियों को वो किसी को नहीं पता चलता। इसीलिए जो इनके विरुद्ध जो प्लानिंग करके आती है ना टीम वो फंस जाती है, इनके विरुद्ध इंस्टिंक्टिव टीम है जो है ना वो शायद फिर भी इनको मात दे देती, क्यों हारते तो ये भी हैं, ऐसा थोड़ी है कि कभी हारे ही नहीं, लेकिन अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो इनको मात वो देती है कि इनको हरा के चले जाओ। एक बार केकेआर ने फाइनल भी हराया हुआ है, इन्होंने 190-180 रन बनाए, मात कैसे थी, बिस्ला जो प्लानिंग में ही नहीं था, उनके अगेंस्ट क्या प्लानिंग कर रहा, उनको समझ ही नहीं थी वो खेलते कैसे, जब तक समझ आई वो मैच चला गया, अगली बार नहीं करने देंगे। तो इनको जब तक आप मात नहीं दोगे ना ये नहीं हारेंगे। तो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, यू हैव टू बीट देम, दे विल नॉट बीट देमसेल्फ्स, बिल्कुल या। और मुंबई का होता है, मुंबई कभी कभी वो बोलता है इम्प्लोड कर जाती है कि बस 44-5 हो जाते हैं, फिर रिकवर नहीं कर सकते, वो बहुत कम चेन्नई से होती है जी। और चेन्नई की एक और बात, हम एमएस धोनी की बात तो कर ही रहे हैं, एक तो कप्तानी उनकी, और कप्तानी के बारे में तो हम काफ़ी यहाँ पे गाने गा चुके हैं, फिल्में बना चुके हैं, पेंटिंग बना चुके हैं, शायरी लिख चुके हैं, पर उनकी जो बल्लेबाजी भी है जोयदा, पिछले साल उन्होंने करारा जवाब दिया लोगों को जिन्होंने कहा था कि भाई हो गया इनका, और इस साल भी काम किया है उन्होंने। और ये स्ट्राइक रेट देखिए, 140 के आसपास स्ट्राइक रेट है, 350, वो भी पोजीशन भी चेंज किए हैं, ही इज बैटिंग अप द ऑर्डर, वो चार में बैट कर रहे हैं अभी रेगुलरली, बट वो भी चाहते हैं वो चार में बैट कर भी करने से भी आप देखिए कितने 20th ओवर खेले जी, 20th ओवर जो ही इज द मास्टर ऑफ द 20th ओवर, वो हर टाइम वहां पहुंचते हैं और उस ओवर में उनका रन रेट कोई आसपास ही भी नहीं। उनको बड़ा शौक है रहने का 20वें ओवर में, उनके आधार कार्ड पे एड्रेस भी उनका यही लिखा है शायद 20th ओवर, कि मैं यही मिलता हूं मैं सिंह धोनी 20 ओवर रांची वहीं मिलता हूं मैं जी, कभी भी आया ना वहीं मिलूंगा मैं आपको, कभी भाग रहूंगा, कभी रुक रहूंगा, कभी छक्का मारूंगा और मिलूंगा मैं आपको वहां पे। पर इन दोनों का जब मुकाबला होगा, इनका मुकाबला, ये अच्छी बात है चेन्नई के लिए कि घर पे हो रहा है मुकाबला, बुरी बात ये है कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ हो रहा है मुकाबला, तो मुंबई इंडियंस से थोड़ा हारे हैं इस साल, चेपॉक में हारे हैं इनके साथ, तो ये देखिए आप यहाँ पर, और चेपॉक में चेन्नई अब तक हारे सिर्फ एक बार हैं और सिर्फ मुंबई से हारे, तो ये तो बात जरूर जहन में रहेगी। अब महेंद्र सिंह धोनी ऐसे कप्तान है कि अरे भाई रात गई बात गई, नहीं रात गई बात गई तो है, लेकिन वो नोट कर लेते हैं अगली बार की गलती दोबारा ना हो, या वो चीज़ अपने दिमाग में रख लेते हैं कि भाई ये कैसे खेले थे वो कैसे खेले, क्योंकि बाकियों की टीमों के साथ थोड़ा सा आप अंदाजा लगा लेते हैं, तो ये बात तो ज़रूर रहेगी। और अगर कोई टीम से अगर डरते होंगे चेन्नई वाले, तो वो मुंबई की टीम है।